सूरज, सूरज, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ वो तो हूँ। जरूर किसी का दिल खरीदा होगा या तोड़ा होगा। What do you mean? You always destroy one thing when you are happy, Shita. अजीब मूड में हो और आज तुम मेरी कुर्सी पर कैसे बैठे हो? आज के बाद मैं इसी कुर्सी पर बैठा करूंगा शीतल। मतलब? हर सवाल का जवाब मिल जाएगा मिस ओबेरॉय। पहले मेरी कहानी तो सुनिए। I'm going to tell you a very interesting tale. एक लड़का था, middle class, पढ़ा लिखा, भोला भाला, बेरोजगार। और एक लड़की थी, मगरूर, बदतमीज और दौलत के नशे में चूर। उस मगरूर लड़की ने उस भोले भाले लड़के को अपने दौलत के सहारे खरीद लिया। हर कदम पर उसके सामने दौलत बिछा दी, उसके गले में दौलत ठूस दी। सूरज, I'm sorry. हाँ तो कहानी किस मोड़ पर थी? दौलत। उस बदतमीज लड़की ने उस भोले भाले लड़के को हथियार बनाया अपने दुश्मन का गला काटने के लिए। How mean, isn't it, Chitam? वो बेवकूफ दौलत का लालची लड़का उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था, एक मोहरा था। उसके इशारों पर नाचने वाला कठपुतली था वो, बस और कुछ नहीं। और वो लड़की हर इंसान को दौलत के तराजू में तौलती थी, हर इंसान को। ये प्यार, भावना, रिस्पेक्ट उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। एवरी इमोशन वॉज मीनिंगलेस फॉर हर, एवरी इमोशन, एवरी गॉडडैम इमोशन। वो लड़की जानती थी कि वो लड़का उसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसने प्यार के मुंह पर हमेशा दौलत का तमाचा मारा। सूरज, इट हर्ट्स। शट अप, चिल्लाओ मत। मेरी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन इतना होश है कि मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकूं। पागल किसने बना दिया मुझे? सिर्फ तुमने शीतल, सिर्फ तुमने। दौलत की हवस मेरे अंदर किसने पैदा की? सिर्फ तुमने शीतल, सिर्फ तुमने। I was an innocent boy. You made me go mad. And now you will pay the price. अब डोर मेरे हाथ में है शीतल। अब भी कठपुतली नाचेगी, लेकिन उस कठपुतली का नाम सूरज नहीं, शीतल होगा। शीतल, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां से उठाकर लाई थी। नॉट एट ऑल, मैं सो रहा हूं। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, याद है? एक पावर ऑफ अटॉर्नी ने तुम्हारे बाप को सड़क पर खड़ा कर दिया था। यस मैं सो रहा हूं, तुम सही समझे। तुम्हारे एक दस्तखत ने तुम्हें सड़क पर खड़ा कर दिया। ये तो मेरी मेहरबानी कि तुम अभी तक मेरे दफ्तर में खड़ी हो। यू चीट्स। अग्रीड, लेकिन ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। मैं पुलिस 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 समाज अदालत जो दरवाजा चाहो खटखटाओ, सारी उम्र गुजर जाएगी मुझे गलत साबित करते करते। बस एक तरीका है तुम्हारे पास, मैं सब कुछ वापस दे दूंगा, सब कुछ लौटा दूंगा, मगर एक शर्त पर, मुझसे शादी कर लो। Are you mad? Yes, of course, I'm mad. मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खून भी कर सकता हूं और किसी का भी कर सकता हूं, प्रेम का भी। You? It's all over for you, darling. End of the road. शादी का दिन और समय हम तय करेंगे, तुम बस दुल्हन बनकर हमारा इंतजार करना। Now get out. Get out of my sight. शीतल से तुम्हारी शादी? भाई इसे पागल तो कह नहीं सकते। हाँ सूरज, शीतल से अगर तुम शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद अपने पैरों पर चल के आना होगा। और हाँ, हम तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े। हाँ बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? हाँ जोड़ी नंबर वन। भाई ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम दोनों को बनाया है। बहुत सुना है तुम दोनों के बारे में, मगर मिला पहली बार। दरअसल बात यह है कि तुम दोनों के सर तो बड़े बड़े हैं, मगर अंदर से खाली है। लगता है मेरी ये बात तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। भाई हुआ ये कि शीतल ओबेरॉय ने अपनी सारी जायदाद इस सूरज ठाकुर के नाम कर दी है। इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। ये हो चुका है। शीतल पागल हो गई है। भाई ये तो तुम्हारे फैमिली का रिवाज है। बाप पागल हुआ धर्म ठाकुर के लिए, बहन पागल हुई प्रेम ठाकुर के लिए, और अब तुम लोग पागल होंगे सूरज ठाकुर के लिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आधी जिंदगी तो तुम लोगों ने जेल में गुजारी है, और बाकी आधी जो है सड़कों पर भीख मांगते हुए तुमको गुजारनी पड़ेगी। मेरी तो सिर्फ छोटी सी शर्त है,
अगर तुम लोगों को उतरना हो तो मैं गाड़ी रुक। क्या शर्त है तुम्हारी? क्या शर्त है तुम्हारी? शीतल को मुझसे शादी करने के लिए तैयार करो और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जायदाद वापस कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा? मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। देखो हम ऐसे जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती नहीं, धमकी से। तुम्हें शीतल को धमकी देनी पड़ेगी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो तुम प्रेम को मार डालोगे। इट्स सो सिंपल। ओबेरॉय खानदान में पहली शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सो हाउ डू यू लाइक दिस? डोंट बी स्टूपिड। आप लोग शायद होश में नहीं हैं। अच्छा, हम होश में नहीं और तुम होश में थी जब अपने हाथ काट के तुमने सूरज के हाथ में हम सबकी जिंदगियां सौंप दी। देख चुटकी, तू हमारी छोटी बहन है, हम तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुझे हमारी ये बात माननी होगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। आप लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? Keep away from my life। रौनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीतल को थप्पड़ मारने की? क्या तुम भूल गए कि इसी ने हम सबको पाला है, मुझे संभाला है और तुम दोनों को जेल से छुड़ाया है? आप चुप रहिए बाबूजी, चुप रहिए आप। आपको इतने सालों तक होश नहीं था। हाँ, सड़कों पर बचपन और जवानी जेल में गुजारी हम भाइयों ने, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। अब हम अपने हाथों से दौलत नहीं जाने देंगे। इसकी शादी सूरज से ही होगी। सूरज? 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 आखिर आप लोगों को सूरज से इतनी हमदर्दी कब से हो गई? अच्छा, तुम्हारी दोस्ती अचानक दुश्मनी में कैसे बदल गई? तुम्ही ने कहा था ना कि सूरज ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। ये सब कुछ तुमने सूरज की मदद से हासिल किया। और फिर तुम्ही ने तो कहा था ये सब कुछ सूरज की वजह से हासिल किया। अब हम सूरज की वजह से ही सब क्यों गवाएं? To hell with सूरज and his wealth। मैं सूरज से नफरत करती हूँ। I hate him। अगर तुमने सूरज से शादी नहीं की तो हम नहीं नहीं ये नहीं, कोई भारी सा मंगलसूत्र दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है, किसी को गिफ्ट थोड़ी करना है। ये देखिए सेठ जी। यो ही ना बात। बताइए। अच्छा है ना? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। भारी भी है और खूबसूरत भी। ये अच्छा है ना प्रेम? अरे भाई तुम, आप लोगों को पता चल गया कि मैं शादी कर रहा हूँ? मंगलसूत्र भी खरीद लिया। वेरी नाइस। शादी? शादी? तू शादी कर रहा है? कब? ओह मैं तो बताना ही भूल गया, मैं कार्ड देने घर गया था, पता चला कि आप लोग यहाँ है तो मैंने सोचा भाई का कार्ड पहले मैं देखूंगा। पहले भाई देख ले, बाद में माता पिता देख लेंगे। सूरज वेड शीतल। तू शीतल से शादी कर? हाँ पिताजी, मैं आपको बताना भूल गया, शीतल मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी पिताजी। लेकिन बेटा, आई होप यू डोंट माइंड। एनीवे, ओह मुझे देरी हो रही, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज कल टाइम पर पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक मिनट पिताजी। वाओ, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल शीतल की तरह है ना प्रेम? I'll see you all tomorrow। सूरज मेरी बात सुन। सूरज, ताऊजी, सूरज, आप रुक जाइए। ताऊजी छोड़ दो मुझे। प्लीज ताऊजी, नहीं अनर्थ नहीं होने दूंगा। अनर्थ नहीं हो रहा है ताऊजी, ये विधि का लिखा हुआ हो रहा है। तुम पागल हो गए हो प्रेम? बड़ी माँ, भाई की खुशी के लिए शीतल तो क्या, मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा। हम सब लोगों को दुआ करनी चाहिए कि भाई मंगलसूत्र की गांठ इतनी मजबूत बांधे कि जिंदगी भर ना छूटे।
पंडित जी विधि शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप लड़की का दायां हाथ अपने दायें हाथ में ले लीजिए। हवन सामग्री स्वाहा के साथ अग्नि में डालिए। ओम गणानां स्वा गणपति गुं हवा महे ओम प्रियनां स्वा प्रियपति गुं हवा महे ओम निधिनां स्वा निधिपति गुं हवा महे ओम वसुमं अहं पंडित जी। और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तुम ही कहा करती थी ना कि मेरे सारे अरमान पूरा करोगी, है ना? तो फिर आज ये आंसू क्यों? सूरज, टॉक व्हेन यू आर आस्क्ड टू टॉक। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर यहां आई हेट टियर्स। मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम गणानांत्वा गणपति गुं हवा महे ओम प्रियनांत्वा प्रियपति गुं हवा महे ओम निधिनांत्वा निधिपति गुं हवा महे। मां की आंखों में आंसू, लेकिन क्यों? पिताजी भी सबके सब उदास मक्कार। ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, दिल रोता है मगर होठों पर मुस्कुराहट। लेकिन आज इसकी मुस्कुराहट मुझे धोखा नहीं दे सकती। हर आंख में आंसू, हर चेहरा उदास। सूरज, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू इतना स्वार्थी हो गया? नहीं सूरज, तू ऐसा नहीं बन सकता। तू ऐसा नहीं बन सकता सूरज। पंडित जी, भाभी लाने की तो तुम्हें हमेशा जल्दी थी ना, तो फिर आज ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मां, आप लोग सब रो क्यों रहे हो? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? आप लोगों को ये शादी पसंद नहीं? पिताजी, आपका तो हर सपना मैंने पूरा किया। नाम, शान, इज्जत, दौलत सब कुछ हासिल की मैंने, तो फिर ये मातम क्यों? देखिए देखिए अपने बहू को, लगती है ना ठाकुर खानदान की शान? नैन, जब तुझे तेरा प्यार मिला था ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं था, मैं। और आज तू मेरी खुशियों का स्वागत आंसुओं से कर रहा है, क्यों? व्हाई व्हाई? आपके आंसू तो मैं समझ सकता हूं ओबराय साहब, बेटी जो विदा हो रही है। मगर देखिए देखिए अपने दोनों बेटों को, रौनक और रोशन, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना? एनीवे, सब लोग आ गया ये दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने। प्लीज, कोई आंसू नहीं बहाएगा। आई हेट टियर्स। मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है। आज तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे धोखा नहीं दे सकती। आओ मेरे साथ, आओ। भाई, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी छीनकर अपनी जिंदगी बसाऊं। सूरज, एक मिनट, मैं भाई से बात कर रहा हूं ना। तुम्हारा मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत एहसान है। आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सूरज,
कहां ले जा रहे हो उसे? स्वर्ग में कोई प्रॉब्लम? ए सूरज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और क्या, ठाकुर खानदान की बहू बनाने जा रहा हूं मैं उसे। रोशन, सूरज, सूरज, सूरज। अगर किसी ने इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसकी मौत का तमाशा देखोगे। ऐसी गलती मत करना सूरज, वरना लाशों को गिनते गिनते तुम थक जाओगे। मैं जानता था गद्दार ठाकुर खानदान का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, धोखेबाजी तेरे खानदान का पेशा है। नजर घुमा कर देख, मेरे एक इशारे पर तेरा पूरा खानदान मौत की गोद में सो जाएगा। देख, तू कुछ नहीं कर सकता रौनक, तेरे दिल में तो लालच है। गोली मारने के लिए तो कलेजा चाहिए, कलेजा। अगर मैं चाहता था तो मैं गोली 2 इंच नीचे भी मार सकता था, है ना? है ना प्रेम? जा मंडप में बैठ, मेरी बात मान प्रेम, जा। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम सर्वमंगल मंगले केशवाद साधि के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जगह तो प्रेम के दिल में है, इन पैरों में नहीं। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए शीतल, जो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकला था। छीन कर प्यास बुझाने में वो मजा नहीं जो पाकर प्यास बुझाने में है, है ना? कॉम्रेड्स प्रेम। अरे कोई रोको उसे।
माफ यार, माफ कर दे इन लोगों को, मेरी बात मान चिया। हाँ? क्या कहा आपने? हाँ बेटा, मेरी बात मान चिया। चिया? चिया? चिया बेटा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। नहीं माँ, माँ, नहीं माँ, मेरे जख्मों का किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। पिताजी, आपने मेरी जान बचाने की क्यों कोशिश की? आपको अगर कुछ हो जाता तो देखो ना माँ, कितना खून बह रहा है पिताजी का। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। ए भाई, कहाँ है तेरी मुस्कुराहट? फिर धोखा नहीं देगा मुझे। शीतल, मेरा भाई जो है बहुत भोला है, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला। और रही जायदाद की बात, वो तो कभी मेरी थी ही नहीं। वो कागजात, वो दस्तखत सब नकली थे। क्या? ए सुमन, पता तो इन्हें कितना माहिर हूं मैं नकली दस्तखत करने में। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारी प्यास बुझ गई। रोना तो उसे चाहिए जो आज भी प्यासा है, है ना? नहीं समझी? अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो सूरज, सूरज!